Oh my god. बहुत ही कूल है यार। एनीवेज सो यार आज बैड न्यूज़ है, मेरा कैमरा टूट चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। $1400 का कैमरा था, मैंने काफ़ी बार मतलब काफ़ी बार इसे गिराया है, वो तो सच है ही, पर ये बहुत स्टडी रहा, कब तक कभी टूटा नहीं। सो फॉल्ट मेरा ही था कि ये ट्राईपॉड बहुत वीक है, इसकी ना एक टंग एक टांग नकली है, एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मतलब एक टांग ऐसे गिर जाती है। सो एक बार ऐसे ही गिर गई और इट फेल डाउन, यूजुअली साइड पे गिरता था, तो साइड पे गिरते गिरते कुछ हुआ नहीं, एक दिन सामने गिर गया और ये जो इसका आई व्यू है, जो मतलब आंखों से देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे ऐसे टच हुआ और मतलब ऐसे गिरा, मतलब तो इसकी डिस्प्ले क्रैक हो गई। बाकी कैमरा बिल्कुल सही चल रहा है, आई थिंक बाकी कोई फॉल्ट नहीं है इसके अंदर, बट इट्स जस्ट द डिस्प्ले विच नीड्स टू बी रिप्लेस। तो मैंने बात की सोनी से, आई टॉक टू सोनी रिपेयर सेंटर, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कर दिया प्रिसिजन कैमरा। तो सोनी का कोई सर्विस सेंटर US में तो नहीं है, दे हैव थर्ड पार्टी वेंडर्स जिनसे वो बात करते हैं, जिनसे जिन्हें वो कस्टमर्स को भेजते हैं, जैसे अभी ट्राइपॉड फेल गया पर कैमरा मेरे हाथ में है। सो प्रिसिजन कैमरा वो शॉप है या फिर वो रिपेयर सेंटर है जहाँ पे सोनी अपने कस्टमर्स को भेजते हैं। मैंने कैलकुलेट किया ड्रेसर्स, या मैंने कैलकुलेट किया कि हाउ मच इट विल कॉस्ट मी अगर मैं प्रिसिजन कैमरा जो कि है कनेटिकट में न्यूयॉर्क से ऊपर टू गेट इट फिक्स, तो मुझे उन्होंने बताया, अर्पित एक सेकेंड, तो उन्होंने मुझे बताया कि इट विल कॉस्ट मी $389 और शिपिंग के बाद $45। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया यार, मतलब मुझे डिस्काउंट में मिला था कैमरा अराउंड $1,050 का, तो आधी कीमत मुझे रिपेयर कराने में लग जाएगी, तो इट डजेंट मेक सेंस। इट मेक सेंस टू बाय अ न्यू वन, अगर 50% वैल्यू आप रिपेयर करने में लगा रहे हो तो इट डजेंट मेक सेंस टू बाय अ न्यू वन। सो दैट्स वाई मैंने सोचा आज मैं बेस्ट बाय से भी पता कर लेता हूँ, बेस्ट बाय की गीक स्क्वाड से, तो आज मैं उन्हें दिखाने जा रहा हूँ, एंड आज मेरे पास अपॉइंटमेंट है, सो लेट्स गो। डेटा ब्रीच होता है तो तू जाके इन्वेस्टिगेशन करता है कि कैसे हुआ जो ब्रीच किया उससे बात करना ये भी करता है ब्रीच तो बोले तो मतलब सीधे उनके उसमें वो तो अगर आंसर पे कोड नहीं आना पड़ता है मतलब मतलब एक्चुअली मुझे लेके जाना चाहिए ऐसे सोनी रिपेयर प्रिसिजन कैमरा ही, पर होपफुली जो बेस्ट बाय के रेट हो इससे बेटर हो। इसी कारण आई मिस माय लास्ट अपार्टमेंट, जो वहाँ पे एटलीस्ट लिफ्ट में ये स्मेल नहीं आती थी क्योंकि वहाँ पे पेट्स अलाउड ही नहीं थे, यहाँ पे है। बेस्ट बाय पे कितना लगता है, मैंने फोन पे अपॉइंटमेंट ली, फोन पे बात की, दे सेड रेंज कुड बी 100 टू 250, होपफुली 500 तक ना पहुंचे। दिस इज द सेम बेस्ट बाय जहां पे मैं एक बार आईफोन रिपेयर के लिए भी आया था, दैट्स गीक स्क्वाड, यहां पे विंडो लगी हुई है, सामने 1-to-1 होगा। आई फॉरगॉट टू कवर इट अप, सो पेपर से कवर करना पड़ेगा। Few moments later. देख इसी कारण तेरा कैमरा टूटा है, पता है? हाँ, इसके कारण टूटा है मेरा। पर anyways, $450 लग रहे हैं। हाँ, कल मैं देख रहा हूँ कि बेस्ट बाय को देने की जगह ना दो हफ्ते में आ जाएगा कैमरा, मैं सोनी को दे देता हूँ। चलो कितनी खजर खलवाड़ी, बेस्ट बाय जाओ फिर वेट करो। हाँ। क्या दिया नहीं कैमरा बेस्ट बाय? बेस्ट बाय ने दिया नहीं। क्या बोला? मैं देने गया तो कितने लेंगे नहीं हम। सीधा ऐसे मुंह पे बोल दिया, पर मैंने कहा हम दे रहे हैं तुम ले लो। अगर सिस्टम ने मना कर दिया ठीक नहीं हो सकता, तो नहीं ठीक हो सकता। फिर उसके बाद होना क्या था, आई टुक दिस कैमरा टू ऑल द रिपेयर शॉप्स जहाँ पे भी मैं साइकिल पे जा सकता था, आसपास मैं गया पहले, और मैं इवन मोबाइल फ़ोन की शॉप रिपेयर्स तक भी ले गया, क्या पता डिस्प्ले ही तो ख़राब थी, मैंने कहा क्या पता ले जाएंगे।
उन्होंने भी मना कर दिया, कैमरा शॉप्स ने भी मना कर दिया, उन्होंने डायरेक्टली मना नहीं किया, दे सेड इट कैन टेक मे बी 3 to 4 weeks एज वेल. अब मुझे गारंटी चाहिए थी कि लिख के दो कि विद इन 2 weeks, मतलब एक दिन रखने के बाद कि 2 weeks तक मिल जाना चाहिए, और किसी ने दी नहीं. सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. तो मुझे लग रहा था कि शायद $500 तो गए, मुझे अब प्रिसिशन कैमरा कनेक्टिकट में भेजना ही पड़ेगा. बट देन आई फाउंड वन मोर कैमरा शॉप, पर थोड़ी सी दूर थी, इट वॉज 35 minutes नॉर्थ ऑफ एटलांटा, समर्ना जॉर्जिया के आसपास. दैट वॉज कैमरा सर्विस कंपनी, एंड उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, इट इज़ लाइक 50 years old. तो वहाँ पर मेरी उम्मीदें फिर से जग गई, एंड आई टुक इट देयर, एंड दे सेड दे कैन फिक्स इट विद इन 7 to 8 days, एंड दे डेड एक्चुअली. अब मैं आपको बिल दिखाता हूँ, बट US में आपको पता है कि मेन चीज़ ही लेबर होती है, तो इस कारण पार्ट्स के 110, लेबर के सबसे ज़्यादा 180, एंड टोटल हो गया 290, बट स्टिल मच चीपर देन कनेक्टिकट. और वो तो मुझे ये भी कह रहे थे कि अगर मैं उन्हें वहाँ भेजता हूँ $85 टू मेल इट टू कनेक्टिकट, जो शॉप का नाम है प्रिसिजन कैमरा, मेल करने के बाद शायद थोड़ा सा उन्होंने बताया डाउट भी, अगर ठीक नहीं होगा तो वापस भेज देंगे. तो मतलब $85 भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है अगर वो रिपेयर ना कर पाएँ. सो दैट्स वाई दिस वॉज द सेफेस्ट ऑप्शन. अब आपके लिए एक और सरप्राइज, कि मैंने अगर मेरा लॉस हुआ कैमरा में तो एक जगह प्रॉफिट भी हो गया. तो मुझे GoPro में आई गॉट एथलीट डिस्काउंट ऑफ 30%, तो मुझे 30% डिस्काउंट के बाद GoPro 10 काफ़ी सस्ता मिल गया. सो आई एम वेरी ग्लैड, ये मुझे पड़ा अराउंड $300 का, नहीं तो $500 लग जाते, और मैंने अपना GoPro Max बेच दिया, एंड आई सोल्ड माय GoPro Max. वो आपको बाद में किसी ब्लॉग में बताऊंगा, बट करेंटली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट GoPro 10. जो नेक्स्ट व्लॉग में आई विल बी अनबॉक्सिंग. एंड आज एक और गुड न्यूज़ है कि आज हमारे अपार्टमेंट में स्मार्ट बल्ब्स एंड स्मार्ट सारी लाइट्स नहीं, कुछ स्मार्ट चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं. नंबर वन, यहाँ पे उन्होंने ये स्मार्ट स्विच इंस्टॉल किया. दिस इज नॉन स्मार्ट, दिस इज स्मार्ट. सो इसका ये कि ये एलेक्सा में ऑटोमेटिकली स्किल्स में रिकग्नाइज हो गया. तो मैं अगर एलेक्सा को कहूँगा कि स्विच ऑफ कर दोगे तो ये स्विच रिकग्नाइज हो जाएगा. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि AC भी चेंज हो चुका है. तो लेट मी शो यू द न्यू AC. तो पहले हमारे पास गूगल नेस्ट का AC था, जो सिस्टम था, अब हमारे पास हनीवेल का. बिकॉज इसका फायदा ये है कि दिस गेट्स रिकग्नाइज्ड इन एलेक्सा एज वेल. वो भी दिखाता हूँ. नाउ आई कैन आस्क एलेक्सा टू चेंज टेम्परेचर. एलेक्सा चेंज टेम्परेचर टू 74. द AC इज सेट टू 74. Yes, so that is really cool. So I'm very glad कि हमारे अपार्टमेंट ने किया. So that's it for today's vlog, and I hope आप बहुत excited होगे गरबा. Finally, इस बार गरबा celebrate करने का भी मौका मिलेगा. So wish you all the best. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one. Goodbye. So goodbye to old tripod and welcome new tripod. इसका favorite feature ये है कि even इसकी जो stick है वो बाहर आ जाती है. So you can use this to vlog as well.